यदि दोस्तों आप बाइक का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं और घर बैठे बैठे आप बाइक का अपना इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आपको कैसे इंश्योरेंस लेना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताया हूं और कैसे कैसे आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए सारा डिटेल इस वीडियो में बताया हूं। यदि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, या कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेना चाहते हैं या स्टैंडर्ड पॉलिसी लेना चाहते हैं तो सारा डिटेल इस वीडियो में मैं बताया हूं। और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे इंश्योरेंस करना है मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इंश्योरेंस लेना है और किस तरह से आप इंश्योरेंस का एक अपना सर्टिफिकेट आसानी से मात्र 5 मिनट में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे ज्ञान तक चैनल को। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन नीचे सब्सक्राइब बटन का लिंक दिया होगा, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे सस्ता इंश्योरेंस लेने के लिए आपको policybazaar.com गूगल क्रोम में सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे दूंगा, आपको कैसे यहाँ पहुँचा देगा। उसके बाद आपको टू व्हीलर इंश्योरेंस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स आपको क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अपना बाइक नंबर आपको डाल देना है, जैसे मैं बाइक नंबर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद गेट क्विट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका कौन सा कंपनी का बाइक है, यदि हुंडा का बाइक होगा तो आप क्लिक कीजिए, यदि बजाज का आपका बाइक होगा तो क्लिक कीजिए, यदि हीरो हुंडा का आपका होगा। इसमें सारा कंपनी का आपका डिटेल दिया हुआ है, तो मैंने जो बाइक नंबर डाला था हीरो मोटर ग्रुप का है तो मैं हीरो मोटर पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मॉडल आ गया कि आप में हीरो मोटर ग्रुप में कौन सा मॉडल जो है आप लिए हैं, तो अब मैं पैशन प्रो पर आपको दिखा देता हूँ करके क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आपका पैशन प्रो में कौन सा मॉडल है ये सारा डिटेल आपके सामने ओपन होगा। तो आपका जौन सा डिश होगा, जौन सा सीसी का आपका बाइक होगा, या ड्रम होगा या डिश होगा। ड्रम का मतलब होता है कि जो डिस्क ब्रेक नहीं होता है उसे ड्रम कहते हैं, मतलब उसमें गोटी होता है, और जो ड्रम जिसमें डिस्क लगा होता है उसे डिस्क ब्रेक कहते हैं। तो इसमें 110 सीसी और 100 सीसी सारे बाइक के डिटेल्स आ गए। यदि आपका जौन सा बाइक होगा आप क्लिक कीजिएगा, यदि डिस्क होगा तो डिस्क पर ही आप क्लिक कीजिएगा, यदि ड्रम होगा तो ड्रम पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं आपको ड्रम 110 सीसी पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर होगा, बाइक आपका कौन सा ईयर में आपका रजिस्टर हुआ होगा उसका ईयर डाल देना है। तो मैं आपको 2018 डाल देता हूँ। आपका जौन सा रजिस्टर ईयर होगा वही आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए आप पूछा जाएगा कि यदि आपका पॉलिसी एक्सपायर है तो आप एक्सपायर पर क्लिक कीजिए, यदि आपका पॉलिसी एक्सपायर नहीं है तो कृपया नॉट एक्सपायर पर क्लिक कीजिए। तो मेरा पॉलिसी एक्सपायर है तो मैं एक्सपायर पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ तीन ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका पॉलिसी 90 दिनों के अंदर एक्सपायर हुआ है या 90 दिनों से ज़्यादा एक्सपायर हो गया है, या आप श्योर नहीं है कि आपका पॉलिसी कब एक्सपायर हुआ है। तो आपका यदि 90 दिनों से ज़्यादा एक्सपायर हो गया है तो आप एक्सपायर मोर देन 90 डे पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको पॉलिसी बाजार आपको फिल्टर करके बहुत सारे कंपनी का पॉलिसी दे देगी। सबसे सस्ता जो पॉलिसी रहेगा वो ऊपर में आएगा, और सबसे जो जितने जैसे जैसे आपको पॉलिसी महंगा होते जाएगा वैसे वैसे सारे कंपनियाँ पॉलिसी बाजार में आपको दिखा देगी। तो दोस्तों इससे सस्ता आपको कहीं नहीं बताया जाता है कि आपको कौन सा पॉलिसी कहाँ सा, ये जो साइट है बहुत सस्ता आपको बता देती है कि कहाँ आपको पॉलिसी कौन सी कंपनी का लेना चाहिए और कौन सी कंपनी का अच्छा होता है। यहाँ देखिए मेरे सामने आ गया है थर्ड पार्टी पॉलिसी। तो फ्रेंड्स आप यदि थर्ड पार्टी पॉलिसी लेते हैं तो 752 रुपये लगता है। तो फ्रेंड मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी पॉलिसी क्या है। तो यदि आप किसी अपने बाइक से किसी दूसरे संपत्ति को आप नुकसान पहुँचाते हैं तो उस संपत्ति को ही केवल थर्ड पार्टी पॉलिसी कवर करता है। आपका एक्सीडेंट और आपका बाइक का एक्सीडेंट या बाइक आपका खो जाए तो थर्ड पार्टी पॉलिसी आपका बाइक का इंश्योरेंस का क्लेम नहीं होता है। तो आप कृपया करके यदि आप पुलिस ले कॉल बचना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थर्ड पार्टी पॉलिसी ना लें, क्योंकि थर्ड पार्टी पॉलिसी लेने से आपका इंश्योरेंस कवर नहीं होता है बाइक का। यदि आपका बाइक भूल जाता है तो आपका कोई इंश्योरेंस कंपनी आपका जिम्मेवार नहीं होता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आपको 100 रुपये ज़्यादा लगेगा, आप कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज या स्टैंडर्ड पैकेज पर ही आप क्लिक करके लें, क्योंकि थर्ड पार्टी पॉलिसी का कोई भरोसा नहीं है। आपका 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, आप थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी का आप नुकसान पहुंचाएंगे तो उनको केवल आप अपने बाइक से दूसरे को पूर्ण नुकसान पहुंचाएंगे तो उनका पॉलिसी केवल थर्ड पार्टी में कवर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज या स्टैंडर्ड पैकेज बहुत सारे यहाँ ओपन हो गए हैं, आपको यहाँ पर देख लेना है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे पॉलिसी आ गए हैं, मैं रिकमेंड करूँगा 857 रुपये का है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये सबसे सस्ता पॉलिसी है कॉम्प्रिहेंसिव में। आपको 1000 के अंदर में आपको पॉलिसी मिल जा रहा है, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी, जबकि आपका बाइक का वैल्यू भी आपका लगा दिया जा रहा है। इस पर मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका बाइक का वैल्यू कितना लगाया जा रहा है, सारा डिटेल इसमें मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2-4 रुपये महंगा पड़े आप डिजिट का ही इंश्योरेंस लें, क्योंकि डिजिट का इंश्योरेंस